अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये जरूरी जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने, मैंने पहले भी बताया कि याद कुछ नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ रीड करना है और इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। फर्दर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम सारी थ्योरी को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। याद आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी। इसका क्या मतलब है? एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एंटिटी का मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तीन टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आगे सेल करते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें आप बनी बनाई प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, मैन्युफैक्चरर से, और आगे सेल करते हैं। तीसरा था सर्विसेज बिजनेस, कि जिसमें आप कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ठीक है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, आप अपनी सर्विसेज के बदले जो है वो पैसे लेते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक हो गया। तो जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है आपने, कि जो बिजनेस का जो ओनर होता है, ठीक है, आपने उसको बिजनेस से क्या रखना है, सेपरेट रखना है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस से सेपरेट है। इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस का ओनर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो वो बिजनेस को एक्चुअली क्या कर रहा होता है, लोन दे रहा होता है, ठीक हो गया। बिजनेस की बुक में ओनर ने जो पैसा लगाया होता है बिजनेस में, उसको लोन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यानी कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो अमाउंट लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, ठीक है। दूसरा, आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें कि आपने अकाउंट्स की बुक में उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस की, ठीक है। ओनर की पर्सनल मैटर्स या पर प्राइवेट ट्रांजेक्शन को आपने बिजनेस की अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। लेट अस सपोज, अगर तो बिजनेस का ओनर फर्नीचर परचेज करता है या कुछ और परचेज करता है, मशीनरी परचेज करता है बिजनेस यूज के लिए, ठीक है, तो उसको आप अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस का ओनर फर्नीचर परचेज करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो आप उसको बिजनेस की अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। हाँ, अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लेगा तो फिर आप उसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये था बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। इसको हम फर्दर आगे जाके भी डिस्कस करेंगे कि जो बिजनेस का ओनर है वो बिजनेस से क्या है, सेपरेट है, ठीक है। आपने सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस की होंगी, ठीक है। जो ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन है आपने उनको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। ओनर का पर्सनल बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो अपनी अकाउंट्स की किताब जो है वो ओनर बुक्स है वो ओनर खुद रखे, ठीक है। बिजनेस की बुक्स और उसकी ओनर की अकाउंट्स की बुक्स, वो सेपरेट है, ठीक हो गया। ओनर का पर्सनल बैंक अकाउंट, उसका घर, उसकी गाड़ी, ठीक है, वो उसका पर्सनल, ठीक है, उसकी अकाउंट्स की बुक वो सेपरेट खुद मेंटेन करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपने उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना जो बिजनेस की, ठीक है। ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। यह सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बिजनेस कुछ ना फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बिजनेस की कितनी फॉर्म्स है, ठीक है। फर्स्ट वन है जी सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप, जो बिजनेस का अकेला मालिक होता है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप बिजनेस के अकेले मालिक हैं। अगर कोई और आपके साथ ओनर नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न।
कि जो बिजनेस का अकेला मालिक होता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक हो गया। उसके बाद आप पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं वो पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले की जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें भी दो से ज्यादा लोग जो है वो पार्टनर होते हैं, ठीक है, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये आप लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे या आगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने एक दो लाइनें होगी, वो सिर्फ आप लोगों ने क्या करनी है, रीड करनी है बस, ठीक है। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स क्या होते हैं, अब आपने ये बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आप आगे अकाउंटिंग करेंगे तो गुड्स जो है वो आप बार बार जो है वो आपके सामने आएगा वर्ड, ठीक है। अच्छा, गुड्स क्या होती है, गुड्स होती है हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी अशिया, ठीक है, या वो चीजें जो आप परचेज करते हैं आगे बी सेल करने के लिए, या आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं आगे मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। लेट अस सपोज अगर आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, आपका क्लोथिंग बिजनेस है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं आगे मार्केट में बना के उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये कपड़ा आपके लिए क्या है, गुड्स है, यानी कि हर वो चीज जो बाय की जाती है या बनाई जाती है अभी सेलिंग पर्पस के लिए, ताकि आप उसको सेल कर सके, सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके, वो क्या कहलाएगी, गुड्स। आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, किसी आप देखते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती है, ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर के लिए क्या है, वो सारी गुड्स है, वो बाय करता है आगे लोगों को रीसेल करने के लिए, ताकि आगे लोगों को सेल कर सके। इसी तरह जो बंदा घड़ियों का कारोबार करता है, वॉचेस का कारोबार करता है, वॉचेस का बिजनेस है, तो वॉचेस उसके लिए क्या है, गुड्स है। जो बंदा फर्नीचर का बिजनेस करता है, फर्नीचर बना रहा है या बना बनाया फर्नीचर लेके आगे सेल कर रहा है, तो वो फर्नीचर उसके लिए क्या है, गुड्स है, ठीक है। यानी कि वो चीज जो आप रीसेलिंग पर्पस के लिए बाय करें या बनाए, खुद बनाए, वो क्या कहलाएगी, गुड्स, या उसको हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस क्या है, जब भी आप पूरी अकाउंटिंग करेंगे, आप लोगों ने ये याद रखना है, जब भी वर्ड्स कहेगा कि एग्जामिनर आपको कि आपने गुड्स परचेज की है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस, आप गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब भी आएगा प्रॉब्लम में आगे फर्दर अकाउंटिंग आप करेंगे, वर्ड आएगा जी आपने गुड्स परचेजेस की है, ठीक है, तो आपने ये मेंशन नहीं करना कि आपने क्या परचेज किए हैं गुड्स, ठीक है, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं आगे रीसेलिंग पर्पस के लिए, तो आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, परचेजेस, ठीक है। जब भी गुड्स परचेज की जाएंगी तो आप ये नहीं लिखेंगे कि आपने गुड्स का नाम नहीं लिखना आपने, क्योंकि लेट अस सपोज अगर आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो क्लोथ आपके लिए क्या है, गुड्स है, ठीक है। तो जब भी आप कपड़ा परचेज करेंगे, क्लोथ बाय करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आपने परचेज किए, सिंपल, ठीक हो गया, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं आगे रीसेल करने के लिए, ठीक हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब भी गुड्स परचेज करेंगे, ठीक है, तो आपने क्या वर्ड यूज करना है, परचेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद आ जी कैश परचेजेस, वेरी सिंपल, जब आप परचेज करें, ठीक है, कैश उसी वक्त पे कर दें, ठीक है, तो वो कौन सी परचेजेस होगी आपकी, कैश परचेजेस, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आ क्रेडिट परचेजेस और परचेज ऑन अकाउंट, क्रेडिट मीन उधार, ठीक है, आप परचेज करें गुड्स, ठीक है, कैश उसी वक्त पे ना करें, ठीक है, फ्यूचर में पे करेंगे आप 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, ठीक है, 30 दिन बाद, तो वो कौन सी परचेजेस होगी, कैश परचेजेस, ओ सॉरी, क्रेडिट परचेजेस या परचेज ऑन अकाउंट, उधार पे परचेज करना, ठीक हो गया। उसके बाद जो परचेज रिटर्न्स और रिटर्न्स आउटवर्ड, अच्छा ये और का मतलब है, या अकाउंटिंग में आपने जो एक टर्म के या एक वर्ड के दो मीनिंग हो गए, आपने दोनों को ही याद रखा,
परचेज रिटर्न्स को हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं या रिटर्न टू सप्लायर भी बोलते हैं, क्योंकि आप जिनसे गुड्स परचेज करेंगे तो जिनसे आप परचेज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके सप्लायर्स। ठीक है, अब आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स खराब निकल आएंगे, ठीक है, क्वालिटी के मुताबिक नहीं है जैसा आप चाहते थे, ठीक है, या साइज ठीक नहीं है गुड्स का, जो भी प्रॉब्लम है खराब निकल आएंगे, आप गुड्स को क्या करोगे, वापस कर दोगे सप्लायर को। ठीक है, तो जो गुड्स आप वापस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड या रिटर्न टू सप्लायर भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद है परचेज डिस्काउंट एंड सेल डिस्काउंट। ये क्या होता है, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, लेट अस सपोज 1000 के गुड्स आप परचेज करने लिए हैं, आपने 800 में परचेज कर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट को हम डिस्काउंट रिसीव भी बोलते हैं, ये आप लोग नोट करें, क्योंकि आप परचेज करने गए थे 1000 की गुड्स, आपने 800 में बाय कर ली, तो 200 आपने डिस्काउंट रिसीव किया, परचेज डिस्काउंट भी बोलेंगे हम इसको या डिस्काउंट रिसीव भी बोलेंगे। सेल डिस्काउंट क्या है, आपने गुड्स सेल करनी थी, 1000 की गुड्स है, आपने 800 में सेल, तो ये 200 आपका क्या है, सेल डिस्काउंट, क्योंकि आप सेल कर रहे थे। ठीक है, या हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड, कि आपने 1000 की गुड्स थी, आपने 800 में सेल कर दी, तो 200 आपने डिस्काउंट क्या किया है, अलाउ किया है। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होती है, हमारी इनकम, और डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। इन दोनों की एंट्री बुक में शो होती है, अकाउंट्स की बुक। ठीक है, ये फर्दर आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अलाउंसेस क्या होता है, वेरी सिंपल, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप गुड्स जो है वो कुछ खराब निकल रही है, फॉल्टी है। ठीक है, आप जाते हैं जी सप्लायर के पास, उसको कहते हैं जी ये वापस ले लें, तो सप्लायर क्या कहता है, गुड्स की प्राइस में जो है ना कमी कर देता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो जितनी रिडक्शन करते ना वो क्या कहलाता है, अलाउंस। ठीक है, ये सिंपल है अलाउंस। ठीक है,